या मुश्तरका तौर पर कि ये शादी नहीं होनी चाहिए थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स नहीं है, ज़हनी हम आहंगी नहीं है, और इसका एहसास हमें दोनों को बारहा हुआ और दोनों ने बारहा इसका इजहार भी किया। उन अहदो पैमा जो हुए गाड़ी में बैठने के फौरन बाद, उसमें एक बहुत ज़रूरी था कि झूठ नहीं बोला जाएगा। आप जितने भी लोग मर्द हजरात और ख़वातीन मेरी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएं, काबिल एहतराम हैं आप सब मेरे लिए, आप सब मेरे ख्याल में भी आपके अगर बेगमात या आपके शौहर हजरात झूठ बोलेंगे तो वो रिश्ता नहीं पनप सकेगा किसी भी तरह से। झूठ किसी भी रिश्ते को खा सकता है बड़े आराम से। जिसकी सूरत में इसमें यह भी शामिल था कि मुझे बताकर कहीं का और कहीं और चले जाया करना, ऐसे लोगों से की सोहबत में बैठना जिनको मेरे साथ साथ उनके अपने वालिद भी पसंद नहीं करते थे जाने से। तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो उनकी सामने आती रहीं गाहे गाहे, और उनके झूठों का गवाह मैं ही नहीं हूँ, ये मैं बर्मला और सबके सामने कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं तो गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने अपने आदमियों को अंदर भेजा था। दूसरा, उन्होंने जो मेरी करेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, आप सब समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी को नहीं छोड़ा, उसको भी यूज़ कर लिया इस सब में, और उन्होंने मेरी फैमिली से घुमा के ये चीज़ शुरू की है। आज जब वो आए हुए थे ना, ज़िंदगी में पहली बार इतने मीडिया के साथ, इतनी सपोर्ट के साथ, मुझे उस आदमी से खौफ नहीं आ रहा था, वो मेरे सामने बैठा हुआ था, वरना मुझे उस आदमी से खौफ आता था कि वो पीटना शुरू हो जाएगा। और जहाँ उन्होंने मारने वाली बात की है और उन्होंने कुरान पाक पकड़ा है, और मुझे भी लोगों ने कहा है कि आप कुरान पाक पकड़ें, ये मेरे हाथ में कुरान पाक है, मेरी जो तस्वीरें हैं वो सच हैं, मुझे मोहसिन ने मारा था, वो मेरे ब्रूजेज़ हैं, थर्ड मंथ में प्रेग्नेंट थी वो, थ्री मंथ में प्रेग्नेंट थी, जबकि वो तस्वीरें हैं। और मैंने तब कुछ ऐसी बात नहीं सोची थी कि मैं पुलिस केस करवाऊंगी, मैंने वेट किया कि बच्चा पैदा हो, इसका अफेयर चल रहा था लगातार नाजिर जहांगीर के साथ, मैं इस कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ इस आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, मुझे वो जहनी अजियत भी देता था उस